हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? सर एसी बंद कर दीजिए। कैसे आप सभी लोग? मैं संजीत कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी के अपने चेहते और प्रिय परिवार एग्जामपुर में। दोस्तों आशा करूंगा सभी लोग मस्त होंगे, जोरदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो बाबू आज तो थोड़ी सी इतनी तेज बारिश हो रही है कि हम क्या करें। देखो यही चीज होती है जो आपको मैं बोलता हूँ, आप आए चाहे नहीं, आप हमें आना ही पड़ता है। ठीक है, आप आए चाहे नहीं, हमें आना ही पड़ता है, चाहे बारिश हो या कुछ भी हो। मैं चाहता एक घंटा क्लास आगे बढ़ा देता, लेकिन मैं देख रहा था, बात कर रहे थे बच्चे, लग रहा है गुरुजी आज भी लेट होंगे, तो बारिश का इंतजार किया बंद होने का, लेकिन बारिश नहीं बंद हुआ, तो फिर आपके सामने आ गया। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो सभी लोग तैयार है, एक बार थम्स अप करके बता देंगे। सभी के सभी साथी तैयार है तो एक बार थम्स अप करके बता देंगे। ठीक है, सभी लोग तैयार हो चलेगा, बता देंगे बच्चे। ठीक है, चलेगा। तो आज मेरे प्यार साथी हम लोग पढ़ने वाले हैं, याद रखा, आज मेरे प्यार साथी हम लोग पढ़ने वाले 5 अगस्त। ठीक है, 5 अगस्त का करंट अफेयर, साथ में थोड़ा बहुत यहाँ पर स्टैटिक देखेंगे बच्चे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, रिविजन भी करने वाले हैं। ये सब कहां पर होगा? तो आप सभी की प्यारी सी 360 डिग्री वाली क्लास में। ठीक है, आप सभी की प्यारी सी 360 डिग्री वाली क्लास में होने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग बच्चे तैयार हो जाएगा, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर हो रही है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना बच्चे? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। चले बाबू, थोड़ा सा माफी चाहूंगा क्योंकि ठंड लग रही थी और एसी का वो चल रहा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, अभी भी बंद तो नहीं हुआ, बोल दिया चलेगा। अगर बच्चे आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए फाउंडेशन बैच है, 6 अगस्त यानी कल से पहले आप इसे लेते हैं तो ये आपको कितने में पड़ेगा, 999 का, नहीं तो 1299 आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चे, नहीं तो 1299 हो जाएगा, तो इसका फायदा उठा लीजिए। ठीक है, चलेगा। सबसे पहले बाबू जो हमने कल पढ़ा था उसका रिविजन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 75 वर्ष से अधिक पुराने पदों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना, तो प्राणवायु देवता पेंशन योजना किसके द्वारा बच्चे? हरियाणा के द्वारा प्राणवायु देवता पेंशन योजना, हरियाणा के द्वारा प्राणवायु देवता पेंशन योजना। अगले बढ़ते बच्चे, हाल ही में एशिया के सबसे ऊंची भूमि कला प्रदर्शनी, तो एशिया के सबसे ऊंची भूमि कला प्रदर्शनी कहां पर? तो एशिया के सबसे ऊंची भूमि कला प्रदर्शनी की बात करो तो याद रहेगा यह लेह लद्दाख में। कहां पे बच्चे? यह आपके लेह लद्दाख में, तो लेह बच्चे लद्दाख में, लेह लद्दाख में। चलेगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। हाल ही में किस राज्य के पछवाई पेंटिंग को जीआई टैग मिला? तो किस राज्य के पछवाई पेंटिंग बच्चे? राजस्थान के पछवाई पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। हाल ही में किस राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? तो अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप की बात करो तो बच्चे ये आसाम ने। ठीक है, आसाम ने। किस राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण का दूसरा चरण फिर से शुरू हुआ? तो जाति आधारित सर्वेक्षण पहले चल रहा था, फिर बंद हो गया था, फिर वहां की हाईकोर्ट ने बोला भाई साहब इसे चालू कर सकते हो। तो ये कहां पर बच्चे? जाति आधारित सर्वेक्षण का दूसरा चरण याद रखा, बिहार में। कहां पर? यह बिहार में। हाल ही में किस राज्य ने संस्कृति महोत्सव आदि पेरुकू मनाया जाता है? ठीक है, मनाया। तो सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुकू की बात करते तो बच्चे कहां पर? यह तमिलनाडु में मनाया। कहां पर? तमिलनाडु में। चलेगा, हाल ही में भारत का पहला सौंदर्य व्यम जीवन शैली उत्सव
नाइकेलैंड का किस शहर में आयोजन किएगा? तो नाइकेलैंड की बात कर तो बच्ची मुंबई में किया गया, ठीक है। तो मुंबई में आपके पहली बार फेस्टिवल नाइकेलैंड का आयोजन किएगा, मुंबई में इस फेस्टिवल नाइकेलैंड का आयोजन किया गया। अगला सवाल हो जाता है, हाल ही में 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया के सबसे बड़ी पवन टर्बाइन किस देश में सक्रिय की गई है? तो याद रखा चाइना में। दुनिया के सबसे बड़ी पवन टर्बाइन कहां पर? ये चाइना में सक्रिय की गई। कहां पे? चाइना में। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य का कौन सा शहर भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त बनने जा रहा? सेप्टिक टैंक मुक्त बनने जा रहा बच्चे कहां पर? नवी मुंबई। तो नवी मुंबई की बात करता हूं, ये भारत का पहला शहर होगा जो सेप्टिक टैंक मुक्त बनने जा रहा है, ठीक है। भारत का पहला शहर होगा जो सेप्टिक टैंक मुक्त बनने जा रहा है, ठीक है, चलेगा चलेगा। इसी के साथ स्टार्ट करते आज के पहले प्रश्न पे। याद रखिएगा, चमक सबको नजर आती है, चमक सबको नजर आती है, लेकिन अंधेरा कोई नहीं देख पाता, ठीक है। आप इतने सुबह सुबह जगकर मेहनत करो, ये किसी को नहीं देखेगा, जब आप सफल हो जाओगे ना तब लगेगा कि अरे भाई साहब। तो याद रखिएगा, कठिन तपस्या आपकी मेहनत आपकी सफलता की तरफ बढ़ाती है। रेगुलरिटी के साथ पढ़ा कीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा कीजिए। और याद रखिएगा बच्चे, परसों से कोशिश है कि प्रॉपर तरीके से क्लास चलने लगेगी, प्रॉपर तरीके से हमारी सारी की सारी टीम भी आ जाएंगी, सब कुछ तो प्रॉपर तरीके से चलने लगेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा था, सर अब ये 360 डिग्री वाली 360 डिग्री नहीं रहे। हम बोलेंगे रुक जा, 360 क्या, हम इसे 80 लाते हैं, 480 भी ला देते हैं, ठीक है, चलेगा। तो स्टार्ट है बच्चे, स्टार्ट हो जाए, चलेगा। तो बढ़ते हैं बच्चे आज के पहले प्रश्न में। सवाल है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में ग्रामीण सड़क और पेयजल परियोजना के लिए 1974 करोड़ रुपया दिया? किसने दिया बच्चे? तो याद रख, किसने दिया? नाबार्ड ने किया। किस राज्य में दिया, किस काम के लिए किया? ग्रामीण सड़क और पेयजल परियोजना के लिए कितना दिया? तो 2974 करोड़ रुपया दिया, 2974 करोड़ रुपया दिया। सबसे पहले तो नाबार्ड का निपटारा करेंगे। तुम आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि नाबार्ड के हाल ही में प्रमुख कौन बने, हाल ही में नाबार्ड के चेयरमैन कौन बने। देखो दोस्त, जब मैं नाबार्ड की बात करूंगा, ठीक है, याद रखा, जब मैं नाबार्ड की बात करूंगा, अति महत्वपूर्ण संस्था हो जाती है भारत के लिए। जब मैं नाबार्ड की बात करूंगा, याद रखा, जब नाबार्ड का गठन कब हुआ था, तो सबसे पहला सवाल ईयर भी पूछा हुआ है पेपर में, ईयर पेपर में पूछा हुआ नाबार्ड का गठन की बात करो तो 12 जुलाई इसी वर्ष में हुआ था, इसी मंथ में 12 जुलाई 1982 में इसका गठन होता, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड का गठन होता। जल्दी से सबसे पहले कमेंट करके बता दिया नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, ठीक है। याद रखा, इसका जो मुख्यालय बोले तो हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय की बात करता हूं, हेडक्वार्टर की बात करता हूं, तो याद रखा मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन इसके बने हैं, वर्तमान में बने केवी साजी। कौन से? केवी साजी। केवी साजी बच्चे इसके वर्तमान में अध्यक्ष बने, ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष की बात करता हूं। केवी साजी, या आपसे साजी केवी बोल दे तो दोनों एक ही मतलब याद रहेगा, ठीक है, आगे पीछे कहीं कहीं पे देख के आ जाता है। अब नाबार्ड का गठन किया गया था 1982 में। सवाल यह कभी कभी पूछ लेता किस समिति के सिफारिश पे, तो नाबार्ड का याद रखा बी शिवरमन सिफारिश, ठीक है, बी शिवरमन समिति हो जाता है। ये किससे संबंधित हो जाता? नाबार्ड के गठन से संबंधित हो जाता, 1982 में गठन किया गया था। अब नाबार्ड ने कितना बच्चे, तो 1974 करोड़ रुपया दिया राजस्थान, किस काम के लिए? तो ग्रामीण सड़क और पेयजल परियोजना के लिए, ग्रामीण सड़क और पेयजल परियोजना के लिए। ये कितना दिया तो बच्चे, तो 1974 करोड़ रुपया दिया राजस्थान के। राजस्थान, आपसे एक बात बताया था कि राजस्थान में हाल ही में जिला की संख्या बढ़ी है, हाल ही में राजस्थान में जिला की संख्या बढ़ी है। आप मुझे कमेंट करके बता देंगे कि विश्व भारत का एकमात्र जिला जो डायरेक्ट ग्राम पंचायत से जिले में तब्दील हुआ, भारत का एकमात्र जिला जो पहले ग्राम पंचायत था और ग्राम पंचायत से डायरेक्ट इसका जिला ही बना दिया गया। ग्राम पंचायत से बच्चे क्या कर दिया गया, तो ग्राम पंचायत से इसको जिला ही बना दिया गया। जल्दी से कमेंट करके बता देंगे वो भारत का कौन सा बच्चे, ठीक है, बताएंगे भारत का कौन सा जिला हो जाता, भारत का कौन सा जिला हो जाता, ठीक है, चलेगा। तो देखो अगर मैं बात करता हूं तो याद रखा बच्चे 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता, 30 मार्च 1949 को, ठीक है, याद रखा। राजधानी की बात करता हूं, ये आपका क्या हो जाएगा, जयपुर हो गया, ठीक है, जयपुर हो गया। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है, अरे मुख्यमंत्री कौन है, गहलोत जी, अशोक गहलोत की बात करता हूं, यहाँ पे मुख्यमंत्री, ठीक है, अशोक गहलोत की बात कर देता हूं बच्चे, क्या हो जाते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री हो जाते हैं। जबकि कलराज मिश्र, ठीक है,
कलराज मिश्र की बात कर देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे बच्चे अध्यक्ष ये हो जाते हैं आपके राज्यपाल। विधानसभा की अध्यक्ष 200 सीटें, विधानसभा की कितने सीट हो जाती है, तो आपको राजस्थान में बच्चे विधानसभा की 200 सीटें देखने को मिलेंगे, ठीक है, लोकसभा की 25 सीटें और राज्यसभा की आपको 10 सीटें देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा यहां पर जिला की संख्या, तो राजस्थान में नए जिले तथा संभाग को घोषणा की गई, तो यहां पर जो टोटल जिला हो जाएगा, ठीक है, टोटल जिला कितना हो गया 50 हो गया, जबकि संभाग बोले तो डिवीजन की बात कर देता हूं तो टोटल कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है 10 हो गया। अच्छा याद रखिएगा ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क, याद रखेगा दुद्दू जिला, याद रखेगा कौन सा जिला, दुद्दू जिला, तो दुद्दू जिला था क्या पहले ग्राम पंचायत था, तो दुद्दू जिला की बात करता हूं, दुद्दू जिला की बात करता हूं, याद रखेगा बच्चे ये देश में पहली ग्राम पंचायत, जो देश की पहली ग्राम पंचायत, ठीक है याद रखेगा दुद्दू जिला की बात करता हूं, ये देश की पहली ग्राम पंचायत थी जो डायरेक्ट जिला बन गया, ठीक है देश की पहली ग्राम पंचायत थी, याद रखेगा ये देश की पहली, ओहो ठीक है याद रहेगा, देश की पहली ग्राम पंचायत, देश की पहली ग्राम पंचायत, देश की पहली ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है ग्राम पंचायत बचे जो सीधे जिले में बदले, ठीक है जो सीधे बच्चे क्या बन गए, ये जिले में तब्दील हो गए, ठीक है जिले में तब्दील हो गए। तो ये आपसे सवाल पूछ सकता, इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, तो दुद्दू डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे याद रहेगा, ठीक है दुद्दू डिस्ट्रिक्ट याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते थोड़ा सा, जब मैं राजस्थान की बात करता हूँ, ठीक है राजस्थान थोड़ा सा स्टैटिक देख लेते हैं राजस्थान का मैं तो, ठीक है राजस्थान की बात करते बच्चे आप मुझे कमेंट कर बताए राजस्थान का राजकीय पशु पक्षी क्या है, राजस्थान का अगर दोस्त आपसे बात करता हूं कि राजस्थान का बच्चे राजकीय पशु क्या हो जाता है, राजकीय पशु बहुत बार ये वाला सवाल में पूछा गया, ठीक है राजकीय पक्षी, ये राजकीय पक्षी चर्चा में भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बचाने के लिए थोड़ा सा एक आदेश दिया था, तो राष्ट्रीय पशु हो गया, राष्ट्रीय पक्षी हो, पक्षी हो गया, आप मुझे कमेंट करके बताएगा यहाँ का आपको राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, एक मिनट बच्चे, यहाँ का आपका राष्ट्रीय खेल क्या होगा, यहाँ का राजकीय पेड़ क्या हो जाएगा, पेड़ क्या हो जाएगा, यहाँ का खेल क्या हो जाएगा, यहाँ का नृत्य क्या हो जाएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे राजस्थान में, तो राजस्थान का जो राजकीय नृत्य के तौर पर देखा जाता है घूमर को, किसको घूमर को। खेल की बात करता हूं बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, अरे बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं कमेंट करके बताना, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। पेड़ की बात करता हूं यहां पर आपको खेजरी का पेड़ देखने को मिलेगा, ठीक है खेजरी का पेड़, पेड़ कौन सा, खेजरी का पेड़ हो जाएगा। राष्ट्रीय राजकीय पक्षी की बात करता हूं तो याद रखा गोडावन, ठीक है गोडावन, गोडावन जिसको बच्चे क्या बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, ठीक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावन ग्रेट इंडियन क्या बोलते हैं बच्चे बस्टर्ड बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोला जाता है। राजकीय पशु की बात करता हूं ऊंट हो गया, ठीक है राजकीय राष्ट्रीय पशु की बात, राजकीय पशु की बात कर देता बच्चे क्या हो गया ऊंट बोल सकते हैं या चिकारा भी है, ठीक है ऊंट या चिकारा, ठीक है ऊंट और चिकारा, ठीक है ऊंट और चिकारा की बात कर देता हूं यहाँ के बच्चे राजकीय पशु हो जाता है, ठीक है राजकीय पशु हो जाता है। मैंने पूछा बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, यहाँ पर दोस्त अगर मैं लोक नृत्य की बात कर देता हूँ राजस्थान के लोक नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लोक नृत्य हो जाता है। एक तो आप सभी साथियों को पता होगा भवई, भवई पता है ना, भवई हो गया, कालबेलिया, कालबेलिया की बात कर देता हूँ यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है, भवाई हो गया, कालबेलिया हो गया, घूमर हो गया, घूमर हो गया, तेरा ताली करके हो गया, ठीक है तेरा ताली करके हो गया, कच्ची घोड़ा, ठीक है कच्ची घोड़ा हो गया, इस प्रकार के चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक है इस प्रकार के ही चीजें आपको याद होना चाहिए। तो भवाई हो गया, कालबेलिया हो गया, घूमर हो गया, तेरा ताली हो गया, कच्ची घोड़ा हो गया, ये सभी के सभी आपको याद रखा। चक्री, वेरी गुड, एक बच्चा ने बोला गुरु जी चक्री, तो यहां पर भी याद रखा, ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं यहाँ पे बच्चे क्या हो जाते हैं लोक नृत्य हो जाते हैं। चलेगा, जैसे कि आपको बताया हूं पेंटिंग, अगर कुछ महत्वपूर्ण पेंटिंग की बात करूं तो अभी तो आप लोग याद रहेगा, एक तो हो गया फड़ पेंटिंग, ठीक है एक कौन सा पेंटिंग हो गया, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शेर शाबाश। तो याद रहेगा अभी हाल ही में पछवाई पेंटिंग को यहां पर जीआई टैग मिला, हाल ही में बच्चे पछवाई पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, पछवाई पेंटिंग को जीआई टैग मिला, यही की बहुत ही मशहूर फड़ पेंटिंग हो जाती है, यही के बहुत ही मशहूर फड़ पेंटिंग हो जाती है। अच्छा ये ना सीधा का सीधा आपके सवाल में पूछ लेता कि फर पेंटिंग किस राज्य का, फर पेंटिंग किस राज्य का, और यहाँ पे तो लग रहा है अरे गुरुजी ये छोटा चीज है क्या बता रहा है, एक नंबर देकर जिला देकर जाएगा, इस बात की याद रहेगा एक नंबर देकर जाएगा। चलिएगा, भारत में कितने रामसर साइट है, भारत में कितने रामसर साइट है कमेंट करके बता दीजिएगा, भारत में कितने रामसर साइट,
अगर मेरे प्यार दोस्त राजस्थान में नेशनल पार्क की बात करता हूं, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान की बात करता हूं, यहां पर आपको 5 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। ठीक है, राजस्थान में कितने नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे? तो आपको बच्चे 5 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? तो मुकुंद्रा हिल्स हो गया। कौन से बच्चे? मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क। ठीक है, मुकुंद्रा, तो मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क की बात कर देता हूं, ये आपको याद देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको याद रहेगा। केवलादेव नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, केवलादेव, केवलादेव रामसर साइट में भी है, केवलादेव नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। रणथंभौर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, रणथंभौर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। आपको बच्चे सरिस्का नेशनल पार्क, ठीक है, सरिस्का की बात करता हूं, सरिस्का नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। और मेरे प्यार से डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क, ये आपको 5 नेशनल पार्क राजस्थान में देखने को मिलेंगे। जबकि यहां पर मैं टाइगर रिजर्व की बात करता हूं, बाघ संरक्षण, ठीक है। अगर दोस्त मैं राजस्थान में टाइगर रिजर्व, ठीक है, राजस्थान में टाइगर रिजर्व की बात करता हूं, अच्छा ये ना बार बार जब चीजें रिपीट होता है तो आपको याद होते जाता है, ठीक है। अगर सवाल पूछेगा बच्चे कितने टाइगर रिजर्व है, तो यहां पे 4 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। एक तो बहुत ही लेटेस्ट में बना है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। कौन सा? रामगढ़ है, तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की बात करता हूं, यहां पर हो जाता है, ठीक है, याद रखा। केवलादेव टाइगर रिजर्व भी यहां पर है, केवलादेव टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी हो गया, केवलादेव नहीं है, मुकुंद्रा है, ठीक है, याद रखा, मुकुंद्रा हो गया, रणथंभौर हो गया, मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व है, मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व है बच्चे, मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, सरिस्का भी टाइगर रिजर्व हो जाता है, सरिस्का टाइगर रिजर्व हो जाता है, सरिस्का टाइगर रिजर्व हो गया, और बच्चे कौन सा हो गया? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ठीक है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ठीक है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व हो गया। इस बात की याद रखा। अच्छा, यहाँ पर 2 रामसर साइट है, कौन कौन सा रामसर साइट है? तो अगर बच्चे यहाँ पर रामसर साइट, यहाँ के रामसर साइट, मैंने क्या बोला आपको 75 का 75 याद कराऊंगा। एक तो केवलादेव हो गया, अरे भैया केवलादेव तो ये भारत का पहला रामसर साइट था ना, चिल्का झील के साथ केवलादेव को भी जोड़ा गया था, तो केवलादेव ने, केवलादेव रामसर साइट हो गया, केवलादेव हो गया, और कौन सा हो गया बच्चे? तो एक केवलादेव हो गया, और याद रखिएगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय झील, तो सांभर झील, तो सांभर झील भी बच्चे बड़ा भी बार आपके पेपर में पूछ लेता कि सांभर झील किस देश में, किस राज्य में, तो भारत की सबसे बड़ी झील पूछेगा, भारत में सबसे बड़ी झील पूछेगा चिल्का झील, लेकिन अंतरदेशीय, चिल्का झील एक लैगून झील है, आपको बताया हूं, ठीक है, चलेगा, चिल्का झील क्या है? एक लैगून झील है, इसका याद रखा, ये पूरा का पूरा चीजों को अभी तक के लिए याद रखा, ठीक है, याद रखा। मुकुंद्रा करके हो जाता, मुकुंद्रा करके हो जाता, ठीक है, मुकुंद्रा आपको सरिस्का हो गया, रणथंभौर हो गया, टाइगर रिजर्व, ये आप लोग राजस्थान से याद रखेगा। अरे गुरु जी मैंने बुलाया एसी बंद करने के लिए, लोग आए नहीं, ठीक है, यहाँ पे रिमोट भी नहीं है, ठंड लग जाएगी, फिर मैं हो जाऊंगा बीमार, तुम्हारी क्लास गड़बड़ हो जाएगी। हाल ही में कहां पर उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव आयोजन किया? हाल ही में कहां पर उन्मेषा, तो उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव की बात करता हूं, ठीक है, उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव की बात करता हूं, इसका बच्चे जो उद्घाटन किएगा, ठीक है, इसका जो उद्घाटन किया किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, याद रखा। इसका जो उद्घाटन किया किसने किया बच्चे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बच्चे याद रखा, द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया? इसका उद्घाटन किया, ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया बच्चे? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया बच्चे? क्या किया? इसका उद्घाटन किया है। सवाल पूछा इसका आयोजन कहां पर किया? ओ उड़ीसा वाले, उड़ीसा वाले, याद रखा, इसका जो आयोजन हुआ, ठीक है, ये कहां पर आयोजन किया गया? तो उन्मेषा और उत्कर्ष कार्यक्रम कहां पर आयोजन किया? कहां पर आयोजन किया गया? याद रखा, पिछले बार जो उन्मेषा किया गया था दिल्ली में किया गया था, इस बात को याद रखा। ये जो आयोजन किया कहां पर किया? भोपाल। कहां पर मेरे प्यार सती? भोपाल मध्य प्रदेश में। कहां पर? भोपाल मध्य प्रदेश में। तो उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन कहां पर किया? भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। कहां पर? भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ जाए, चलेगा। हाल ही में आप ये भी याद रखेगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गज उत्सव का आयोजन किया गया था। तो जो गज उत्सव कराया गया था, आसाम के किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का आयोजन किया गया था? आसाम के किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का आयोजन किया गया था, जरा बताना? तो आसाम के किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का आयोजन किया गया था? तो बच्चे जो गज उत्सव आयोजन किया गया था कहां पर? काजीरंगा। तो गज उत्सव के बारे में पूछेगा, गज उत्सव की, गज उत्सव का आयोजन राष्ट्रपति से संबंधित गज उत्सव का आयोजन क्या किया गया? याद रखा बच्चे, ये कहां पर किया गया था?
काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? आसाम में है। कहां पर? आसाम में। इसका भी उद्घाटन किसने किया था? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। कहां पर? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। शाबाश सरो शाबाश, चलो याद तो है, पढ़ रहे चलेगा। 37 सालों के बाद कितने साल? 37 सालों के बाद भारत के जो नंबर वन शतरंज खिलाड़ी थे, अब वो दूसरे नंबर पे आ गए, ठीक है। भारत के जो नंबर वन शतरंज खिलाड़ी थे वो दूसरे नंबर पे गए। तो ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर फाइनल रैंकिंग में सर्वोच्च भारतीय बन गए, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मैं बच्चे भारत में टॉप शतरंज खिलाड़ी की बात करता हूं, पहले नंबर पे कौन आ गए? डी गुकेश आ गए। पहले नंबर पे कौन आ गए? डी गुकेश आ गए। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर थे, 17 साल की अभी उम्र है, वर्तमान में 17 साल की उम्र है। और याद रहेगा, जो 37 सालों से टॉप पे था उनको उन्होंने वो कर दिया, ठीक है। अगर बच्चे फाइट की रैंकिंग की बात करता हूं, ठीक है, अगर दोस्त मैं फाइट रैंकिंग की बात करता हूं, इस बात को याद रखा, ठीक है। तो जो पहले स्थान पे फाइट रैंकिंग की बात करता हूं, बच्चे पहले स्थान पे कौन है? मुझे तो मैं अभी कुछ दिन पहले ही शतरंज के बारे में सब कुछ पढ़ाया हूं, शतरंज दिवस और 83वें ग्रैंड मास्टर कुछ दिन पहले पढ़ाया था, तो वहां पे भी पढ़ाया था। तो याद रहेगा, फाइट रैंकिंग में जो पहले स्थान पर मैग्नसन कार्लसन है, बताइए किस देश के प्लेयर? मैग्नस कार्लसन कर जाते हैं। तो पहले नंबर पे कौन है बच्चे? पहले नंबर पे मैग्नस कार्लसन की बात करते हैं, पहले नंबर पे बच्चे नॉर्वे से, कहां पर? नॉर्वे से, ठीक है, नॉर्वे से हो जाते हैं। याद रहेगा, भारत में जो टॉप नंबर पे बच्चे, याद रहेगा भारत में जो टॉप नंबर पे, याद रहेगा कौन है? तो डी गुकेश की बात करता हूं, तो डी गुकेश की बात करता हूं बच्चे, ये भारत में 9th नंबर पे, ठीक है, भारत में पूरे विश्व में 9th नंबर पे, पूरे विश्व में क्या 9th नंबर पे, जबकि भारत में पहले नंबर पे। अब जो याद रहेगा बच्चे, जो 10वें नंबर पे है, 10वें नंबर पे विश्वनाथ आनंद जी हो जाते, ठीक है। तो 10वें नंबर पे क्या हो जाते? विश्वनाथ आनंद। तो विश्वनाथ आनंद की बात करते भाई, तब एक बार इस भाई के लिए देखो, तुम जिस उम्र में मिट्टी में खेल रहे होगे उस उम्र में भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने, और अभी भी तुम पढ़ नहीं रहे हो, बकैती कर रहे हो, कुछ तो शर्म कर लो। आप ही लोगों में से, हम ही लोगों में से कोई निकल कर आता है, आप ही लोगों में से कोई यहां पे पढ़ेगा। हाँ, फाइट 20 जुलाई 1924 लुसान स्विट्जरलैंड, वेरी गुड, 20 जुलाई को शतरंज दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये विश्वनाथ आनंद की बात करता हूं, ठीक है। तो विश्वनाथ आनंद की बात करता हूं बच्चे, ये अब 10वें नंबर पे, ध्यान रखिएगा। फाइट रैंकिंग विश्व में बात करता हूं, मैग्नस कार्लसन पहले नंबर पे, डी गुकेश बच्चे क्या हो जाते हैं? यहां पर जाते हैं, चलेगा। फाइट शतरंज चैंपियनशिप, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है? कमेंट करके बता देंगे। एक बोरा ये मुझे 17 के नहीं लग रहे हैं, तो कितने के लग रहे हैं भैया? ठीक है, चलेगा। अब बच्चे अगर आपको याद होगा तो हाल ही में मैंने बताया भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर, ठीक है, अपोजिट लेग में भारत के 83वें, भारत के बच्चे याद रखा, भारत के याद कर रखती है आपको, बताइए किसको याद है बस? 83वें ग्रैंड मास्टर, भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, ठीक है, भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, ठीक है। 82वें कौन बने, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। 81वें कौन बने, 80वें कौन जाते, 80वें ग्रैंड मास्टर कौन जाते, अरे किसको याद है कमेंट करके बताएगा। याद रहेगा बच्चे, ये 79th कौन से बने और 78th कौन बने, 78th कौन बने, ये जो सभी के सभी है, 1, 2, 3, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 है 2023 में बने, ये सभी के सभी 2023 में ही बने, ठीक है। ये सभी के सभी जो ग्रैंड मास्टर कब बने? 2023 में बने, चलेगा। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौस्तुभ चटर्जी, भारत का 78वें, चलो 83rd से स्टार्ट कर ले। अच्छा किसको याद है एक बार ईमानदारी से बता देना, किसको याद है ईमानदारी से बता देना। तो 73वें ग्रैंड मास्टर, 83वें कौन बने बच्चे? तो आदित्य सामंत बने। किस राज्य के आदित्य सामंत हो जाते हैं? किस राज्य के आदित्य सामंत है? तो आदित्य सामंत की बात करते हो बच्चे, कहां के? महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से आपके आदित्य सामंत हो जाते हैं, आदित्य सामंत 73 हो गया, ठीक है, याद रहेगा। 82, 83 हो गए। 82 की बात करता हूं तो प्रणीत विपुला, ठीक है, प्रणीत विपुला, प्रणीत की बात कर देता हूं, ठीक है, विपुला प्रणीत करके हो जाते, प्रणीत हो जाते।
ठीक है, विप्रनीत ये कहां के हैं, तो विप्रनीत की बात करते हैं बच्चे, यह कहां के आपको तेलंगाना से, विप्रनीत की बात करता हूं कहां के तेलंगाना का हो गया, ठीक है। एकासीवे ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं, देखा एकासी की बात करता हूं तो सायंतन दास, सायंतन दास की बात करते बच्चे सायंतन दास आपको याद रखना पड़ेगा बाबू, सायंतन दास कहां से, वेस्ट बंगाल के, सायंतन दास कहां के, वेस्ट बंगाल के। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो याद रहेगा विग्नेश एनआर करके बने थे, ठीक है। 80 कौन बने बच्चे, विग्नेश एनआर, तो विग्नेश एनआर, ठीक है, विग्नेश एनआर ये दो भाइयों की जोड़ी थी, विग्नेश एनआर, ठीक है, याद रखा विग्नेश एनआर बने, ठीक है। विग्नेश एनआर की बात करता हूं तो कहां से, ये तमिलनाडु से हो जाते हैं विग्नेश एनआर। फिर इसके बाद एम प्रणेश, ठीक है, एम प्रणेश, तो एम प्रणेश आपके बने थे, एम प्रणेश बने थे। और भारत के जो 78 बने थे कौस्तव चटर्जी, भारत के जो 78 बने थे कौस्तव चटर्जी, कौस्तव चटर्जी बने थे। तो ये सारी चीजें ना एक बार में याद नहीं होती, ठीक है, एक बार में याद नहीं होती, ये सारी की सारी चीजें बच्चे एक बार में याद नहीं होती, ठीक है, एक बार में सारी चीजें नहीं होती। लेकिन जब मैं बार बार चीजें कराता हूं और इसे बार बार आप अपने तरफ से भी एक बार देखोगे ना क्लास के बाद भी, तो चीजें याद जरूर होगी, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ जाए, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल डूरंड कप शुरू हो गया, ठीक है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल डूरंड कप शुरू हो गया। तो मेरे प्यारे साथी मैं बात करूंगा डूरंड कप के बारे में, ठीक है, डूरंड कप अगर मैं बात करता हूं डूरंड कप 2023 के बारे में, डूरंड कप 2023 याद रखा, डूरंड कप 2023 ये कौन सा संस्करण है, डूरंड कप 2023 की बात करता हूं, याद रखा बच्चे ये 132वां संस्करण, ध्यान से सुनिएगा, डूरंड कप 2023 की बात करता हूं कौन सा, ये 132वां संस्करण है। अच्छा, ये लगातार दूसरी बार हो रहा है जब मल्टीपल प्लेसेस पे खेला जा रहा है, मल्टीपल प्लेसेस का मतलब है एक से ज्यादा दूसरे जगह, एक से ज्यादा जगह पे खेला जा रहा है, ठीक है। कोई बता सकता है कि कहां कहां पे खेला जा रहा, तो एक से ज्यादा जगह पे खेला जा रहा है, कहां कहां पे खेला जा रहा बच्चे याद रहेगा, ये कहां कहां पे खेला जाएगा, तो ये आपको खेला जाएगा मेरे प्यार से याद रहेगा तीन राज्य में। इसका आयोजन कहां पर होगा, ठीक है, इसका आयोजन कहां पर हो रहा, तो इसका आयोजन की बात करता हूं तो याद रहेगा बच्चे कहां कहां पर हो रहा, गुवाहाटी में हो रहा, ठीक है, गुवाहाटी में हो रहा, गुवाहाटी, गुवाहाटी करके हो गया, और बच्चे काकराझाड़, गुवाहाटी और काकराझाड़ करके हो गया, गुवाहाटी और काकराझाड़, ये आपको कहां पे मिलेगा, तो ये आपके आसाम में, गुवाहाटी और काकराझाड़ आसाम में मिलेगा, ठीक है, आसाम में। फिर बच्चे कहां पर, कोलकाता में हो रहा, कोलकाता में हो रहा, कोलकाता बच्चे कहां पर, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चे मेघालय शिलोंग में हो रहा है, ठीक है, शिलोंग में रहा। अच्छा, हो सकता है शिलोंग में न भी हो, ठीक है, हो सकता है शिलोंग में न भी हो, जब मैं न्यूज पढ़ रहा था तो यहां पर लिखा हुआ था हो सकता है शिलोंग में न भी हो, तो जैसे ही आपको अपडेट वगैरह आ जाएगा, जैसे ही अपडेट वगैरह आ जाएगा वो आपको बता दूंगा कि शिलोंग में होगा या हो रहा है कि नहीं, ठीक है बच्चे। अब ध्यान रखिएगा, आपको यहां पे बताया था जो डूरंड कप जो 2023 से यहां पर विदेशी टीम भी भाग ले रही, यहां पर कौन सी तीन देशों की भाग ले रही है टीम, यहां पर विदेशी टीम, ठीक है, पहले भी पढ़ा चुका ना बच्चे 2023 वाला पहले भी पढ़ा चुका, तो डूरंड कप 2023 में विदेशी टीम कौन कौन सी है, सभी के सभी साथी एक बार थोड़ा सा जितने लोग सेशन में, अगर आपको पसंद आ रहा चीजें तो लाइक कर देंगे, ठीक है, फिर से आपकी बहुत ही जल्दी आपकी क्लास उसी फुल लेंथ में चल जाएगी, आप टेंशन मत लो, ठीक है, चलेगा। तो याद रखा बच्चे यहां पर तीन विदेशी टीम 27 वर्षों के बाद भाग लेगी, पाली मिली है, कौन कौन सी बच्चे में याद रखा, नेपाल की टीम, ठीक है, याद रखा नेपाल की टीम लेगी, और कौन सी टीम लेगी, भूटान की टीम, तो नेपाल हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और मेरे प्यारे साथी कौन सा, बांग्लादेश, ठीक है, और मेरे प्यारे साथी बांग्लादेश, ये तीन टीमें, 3 अगस्त से शुरू हुआ है और ये मैच चलेगा आपको 3 सितंबर तक, 3 सितंबर तक चलेगा, ठीक है, चलेगा। अगर मैं पूछूंगा बच्चे डूरंड कप 2022 के विजेता कौन रहा, डूरंड कप, डूरंड कप 2022 के विजेता, 2022 के डूरंड कप 2022 के विजेता की बात करता हूं, डूरंड कप 2022 के विजेता और उप विजेता, डूरंड कप 2022 के विजेता और उप विजेता, तो डूरंड कप जो 2022 के विजेता थे, अरे कौन थे, तो याद रहेगा बेंगलोर एफसी, तो बेंगलोर एफसी की बात करता हूं, बेंगलोर एफसी की बात करते विजेता थे, किसको हराया, मुंबई सिटी को हराया, ठीक है, तो मुंबई सिटी को हराकर बेंगलोर एफसी, मुंबई सिटी को हराकर बेंगलोर एफसी ने बच्चे क्या जीता, तो 2023 का, 2022 का, ठीक है, 2022 का डूरंड कप जीता, इस बात का याद रखा, वेरी गुड, शाबाश, लाजवाब, यूपी की पगली, अरे नाम तो अच्छा रख लो, नाम तो अच्छा रख लो, बताओ बताओ माता पिता ने कितने अच्छे से नाम रखे होंगे, सोनी बिटिया, और इसने अपने नाम रख ले यूपी की पगलीला,
क्लियर है बच्चे, यहां तक क्लियर है, चलेगा। अच्छा बाबू, फुटबॉल टूर्नामेंट आपको कुछ दिन पहले पूरा का पूरा कराया था, आपके पास वो डेटा है ना, सभी के सभी फुटबॉल टूर्नामेंट करा दिया था, वो आपके पास डेटा होगा, ठीक है, वो आपके पास डेटा होगा। चलिए अगला सवाल है मनोज तिवारी। तो मनोज तिवारी इन्होंने कुछ मैच खिलाए, एक शतक भी लगाया हुआ भारत के लिए। तो मनोज तिवारी इस समय, तो अगर मनोज तिवारी की बात करता हूं तो ये पॉलिटिशियन भी बन गए, वेस्ट बंगाल के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है, ठीक है, वेस्ट बंगाल के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है। तो याद रखिएगा, मनोज तिवारी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। ये वो रिंकिया के पापा वाले मनोज तिवारी नहीं है। अच्छा, रिंकिया के पापा भी मनोज तिवारी ना क्रिकेट के बड़ा शौकीन है। रिंकिया के पापा मनोज तिवारी क्रिकेट के बड़ा शौकीन है। जब मैं 6, 7, 8 क्लास में था तो मनोज तिवारी के क्रिकेट क्लब थी लायंस क्रिकेट क्लब वाराणसी में, वहां से हम उनके क्रिकेट क्लब के हिस्सा थे, ठीक है। तो वो क्रिकेट के बड़ा ही शौकीन है, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी है, ठीक है, बहुत अच्छे खिलाड़ी है, हमने उनके साथ खेला भी है रिंकिया के पापा के साथ। तो मनोज तिवारी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संन्यास की घोषणा कर दी, ठीक है, संन्यास की घोषणा कर दी। याद रहेगा, मनोज तिवारी की बात करता हूं, ये वेस्ट बंगाल के लिए, कहां पे, तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट किसके लिए खेला कर देते हैं, तो वेस्ट बंगाल के लिए। तो याद रहेगा, ये वेस्ट बंगाल डोमेस्टिक क्रिकेट टीम के हिस्सा थे, कहां पर, ये वेस्ट बंगाल की बात करता हूं, वेस्ट बंगाल की बात करता हूं बच्चे, वेस्ट बंगाल डोमेस्टिक, याद रहेगा डोमेस्टिक, ठीक है, क्रिकेट टीम के हिस्सा थे। वर्तमान में ये वेस्ट बंगाल के क्या है बच्चे, ये वेस्ट बंगाल के क्या हो जाते हैं, ठीक है, वर्तमान में ये वेस्ट बंगाल के बच्चे खेल मंत्रालय भी हो जाते, कौन से, खेल मंत्रालय भी हो जाते, ठीक है, खेल मंत्रालय भी हो जाते, याद रहेगा, ठीक है, ये खेल मंत्रालय भी हो जाते। चलिएगा, प्रसिद्ध मराठी कवि हो जाते, जिनका नाम है नामदेव घुंडो। एक बोल रहा है कि सर मनोज तिवारी तो बिहार के ना, अरे तुमको उतना क्या लेना देना है, मनोज तिवारी यहाँ बिहार में कैमूर जिला में उनका घर है, लेकिन बनारस में भी 80 के जगह जो 80 घाट वगैरह है ना वहां पे उनका घर, ठीक है। तो मनोज, अरे बीएचयू से मनोज तिवारी पढ़े भैया, प्रसिद्ध मराठी कवि नामदेव घुंडे की बात करता हूँ, ये बच्चे क्या हो गया, निधन हो गया। तो सवाल पूछेगा कि हाल ही में नामदेव घुंडो का निधन हो गया, कौन थे ये, एक मराठी कवि थे, ये क्या थे, एक मराठी कवि थे, ठीक है, ये क्या थे, एक मराठी कवि थे, इस बात को याद रखा, ठीक है, मराठी कवि थे। आगे बढ़ते बच्चे, सोहिनी सिन्हा, याद रखा, सोहिनी सिन्हा, सॉल्ट लेक सिटी जो कि यूएसए में, सॉल्ट लेक सिटी बच्चे जो कि यूएसए में हो जाती है, इसके एफबीआई फील्ड कार्यालय के प्रमुख होंगे, ठीक है, याद रखा। तो सॉल्ट सेट लेक सिटी, जो सॉल्ट लेक सिटी बच्चे कहां पर यूएसए में, वहां के जो एफबीआई का बच्चे क्या होगा, जो फील्ड कार्यालय उसके प्रमुख होंगे। तो हाल ही में भारतीय मूल के सोहिनी सिन्हा को सॉल्ट लेक सिटी में एफबीआई के, ठीक है, एफबीआई के बच्चे रखिएगा, फील्ड कार्यालय के प्रमुख के रूप में होंगे, ठीक है, फील्ड कार्यालय के प्रमुख के रूप में होंगे, ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ जाए, चलेगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी से क्लास खत्म कर ले, नहीं तो पता चले कि हम तो बीमारे हो गए, ठीक है। हाल ही में बच्चे 3 अगस्त को 13वां तो भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया, ठीक है, इंडियन ऑर्गन डे, ठीक है, याद रखो बच्चे, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है, 3 अगस्त को, तो 3 अगस्त को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है, 3 अगस्त को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, ठीक है, 3 अगस्त को बच्चे इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। चलेगा, हाल ही में अभी एक शुरुआत हुआ है, बस कहां पे चल रहा, तो 7वां हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे चल रहा, 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे चल रहा, चेन्नई में चल रहा, ठीक है। 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे चल रहा बच्चे, इसका आयोजन चेन्नई में चल रहा, इसका आयोजन कहां पे चल रहा, तो चेन्नई में बच्चे क्या चल रहा, इसका आयोजन चल रहा। चलिए अगला सवाल हो जाता, हाल ही में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना पूर्वी नौसेना कमान चीफ के स्टाफ के रूप में, तो पूर्वी नौसेना के कमान, ठीक है, पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे चुना गया, समीर सक्सेना के। ये नौसेना कमान वाला आपसे थोड़ा कम सवाल पूछता है, ठीक है, थोड़ा सा कम सवाल पूछता है, ठीक है, चलेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में देवारी कोई गांव है, ठीक है, कौन सा गांव है, देवारी गांव, ये यूपी वाले बच्चे के लिए थोड़ा इंपोर्टेंट है, देवारी गांव। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में देवारी गांव को बच्चे ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो हाल ही में बच्चे किस गांव को बोला गया, जुलाई आपको दे देगा, जुलाई कि जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस गांव को ग्रामीण पर्यटन गांव के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई, देवारी गांव, कहां पर, ये आपके प्रयागराज में हो जाता है, कहां पे, प्रयागराज में हो जाता है, ठीक है।
कहां पे? प्रयागराज में हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, हाल ही में उड़ीसा राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना, कहां पे बच्चे? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 57 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा। कितने? तो 57 रेलवे स्टेशन को क्या किया जाएगा? अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने, ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने, नीरजा चौधरी ने हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन, ठीक है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नामक एक किताब लिखी है। तो सवाल पूछेगा एक किताब है, बुक का क्या नाम है बच्चे? बुक का नाम है, अगर पूछेगा बुक का क्या नाम है तो किताब का नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन, ठीक है, हाउ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर डिसीजन, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन, ठीक है, याद देगा हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन। इसके जो बच्चे ऑथर हो जाते, ठीक है, ऑथर हो जाते कौन हो जाते, तो ऑथर की बात करता हूं तो नीरजा चौधरी की बात कर देता हूं, ठीक है, नीरजा चौधरी, नीरजा चौधरी, ऑथर की बात कर देते कौन जाते, नीरजा चौधरी, ऑथर की बात कर देता कौन जाते, तो नीरजा चौधरी की बात कर देता हूं तो इसके ऑथर हो जाते, नीरजा चौधरी क्या हो जाते बच्चे, इसके ऑथर हो जाते, ठीक है। चलेगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य अपने सभी नगर निगम को बच्चे क्या करेगा? पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगा। तो हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की बात किया? रिसेंटली द उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट सेटअप एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर इन ऑल दी बच्चे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो कहां पे बच्चे? एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलेगा, कैसा डिसीजन रहता है प्रधानमंत्री का? अरे भैया इसको तुम जो हो तुम पढ़ दो, तुम यहां पे नेतागिरी करने मत आया जा करो, ठीक है। चलेगा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक एक संचालित चैटबॉट को लॉन्च किया। तो सवाल पूछेगा, हाल ही में किस राज्य में, हाल ही में किस राज्य में बच्चे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के मदद से, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के मदद से के नाम से जस्ट आस्क नामक एआई संचालित चैटबॉट जारी किया, जस्ट आस्क, ठीक है। तो याद रखा मध्य प्रदेश में, जस्ट आस्क कहां पे? मध्य प्रदेश में, जस्ट आस्क कहां पर बच्चे? मध्य प्रदेश में, जस्ट आस्क कहां पे? मध्य प्रदेश में आपको लॉन्च किएगा, ठीक है, जस्ट आस्क कहां पे लॉन्च किएगा? मध्य प्रदेश में। तो आज की ये हमारी सेवा थी आपके लिए, आपको मैं देखा होगा कि पढ़ाते पढ़ाते तो चलो सूख भी गए, तो थोड़ा सा कपड़े चेंज कर लें, नहीं तो पता चला कि बीमार हो गए, 2-3 दिन के फिर रेस्ट पे चले गए। सोच रहे हैं कि सोमवार से आप लोगों को पूरा फुल फ्लेश में क्लास को लेकर आते हैं शानदार तरीके से, ठीक है। हाँ, कल कुछ बच्चे ने बोला था रिविजन में, कल कुछ बच्चे ने बोला था सर एक बार ना नोबेल पुरस्कार आप लोग करा दीजिए, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। तो देखो जब आप कमेंट वगैरह करते हो ना तब काम की चीजें लगती है, तो वो हम जोड़ देते हैं, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। तो बच्चे 2022 का नोबेल पुरस्कार आप क्या करो ना, बस ध्यान से सुनो, आप क्या करो, बस ध्यान से सुनो और कुछ मत करो, बस ध्यान से सुनो जो आपको मैं बता रहा हूं और कुछ मत कीजिए, बस ध्यान से सुनिए, बस ध्यान से सुन लीजिए और कुछ मत कीजिए बच्चे, ठीक है। याद रखिएगा 2022 की नोबेल पुरस्कार, मैं क्या बोल रहा हूं, 2022 के नोबेल पुरस्कार की बात कर रहा हूं, बस ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। फिजियोलॉजी मेडिसिन, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2022 को किसे देगा? स्वांते पाबे को। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुन लीजिएगा, 2022 में फिजियोलॉजी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे देगा बच्चे? तो स्वांते पाबे को देगा, किसको? स्वांते पाबे को देगा, और हाँ स्वांते पाबे को देगा, किसको देगा? स्वांते पाबे, ध्यान रहेगा। अब इसको याद कैसे करोगे? आप हो बीमार, ठीक है, आप हो बीमार, मेडिसिन ले लेते हो, मेडिसिन ले लेते हो तो शांति पा लेते हो ना, मेडिसिन मिल जाती है तो आप शांति पा लेते हो, ठीक है। तो याद रहेगा मैं बोलूंगा बच्चे मेडिसिन ले लो शांति पाओगे, स्वांते पाओगे, मेडिसिन ले लो शांति पाओगे, मेडिसिन क्या क्या हो गया, फिजिकल या मेडिस फिजियोलॉजी या मेडिसिन में शांति पाओगे। भौतिकी की बात करता हूं बच्चे, भौतिकी फिजिक्स की बात करता हूं, आपको मैंने एक काम दिया सही से करने के लिए, बोला कि बाबू अच्छा से अपना फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाकर इस काम को अच्छे से कर लो, और तुम अच्छा से किए ही नहीं, अच्छा से किए ही नहीं, और वहां पे लोगों का नुकसान हो गया तो तुमको क्या कर दिया, अंत में जेल आला जूसर। तो एंटेन जिलिंगर एलन एस्पेक्ट जॉन एस
जॉन एफ क्लॉजेट। तो जब आप पेपर में बैठोगे ना, ये अचानक चीजें याद आएगी, क्या पे ये आपको अचानक चीजें याद आएगी, ठीक है। चलेगा, केमिस्ट्री की बात करता हूँ, रसायन, केमिस्ट्री की बात करता हूँ, रसायन की बात करता हूँ, रसायन। अच्छा, किसका किसका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी और एक दूसरे के प्रति केमिस्ट्री भी, तो आपका हमारे प्रति केमिस्ट्री अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप अपने मित्र मित्री के प्रति केमिस्ट्री अच्छा रखिएगा, ठीक है। तो किसका किसका केमिस्ट्री अच्छा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं बोलूंगा कि बच्चे अगर आपके पास मित्री है तो मित्री से लड़ाई वगैरह मत करो, मित्री से लड़ाई मत करो। मैं बोलूंगा बच्चे गर्लफ्रेंड से क्यों बैर रखना, कर लो बाजी मेडल मिलेगा। तो अगर मित्री से लड़ाई वगैरह नहीं करते हो तो वो क्या करेंगी, तो भाई साहब आपके लिए बच्चे गिफ्ट वगैरह चॉकलेट वगैरह भी दे सकती है, ठीक है आपके लिए। तो याद रखिएगा, तो गर्लफ्रेंड से क्यों बैर रखना, केमिस्ट्री मतलब कि गर्लफ्रेंड से केमिस्ट्री अच्छी रखना, क्यों बैर, याद रखा के बैरी सापलेस, के बैरी सापलेस क्यों बैर रखना, कर लो बात जी कैरोलिन बाटो जी, कर लो बात जी कैरोलिन बाटा जी, कैरोलिन बाटो जी मॉर्टन मेल्डन, ठीक है मॉर्टन मेडल। तो केमिस्ट्री अच्छा रहना है, क्यों बैर रखना, कर लो बाजी मॉर्टन मेडल, कर लो बाजी मॉर्टन मेडल, ठीक है कर लो बाजी मॉर्टन मेडल। तो याद रख गया, ठीक है ये क्लियर है बच्चे, ये क्लियर है। आगे बढ़ते शांति, शांति। आप कभी परेशान होते हो पेपर में, क्या बोल रहा ध्यान से सुनो, आप पेपर देने जाते हो, पेपर देने जाते हो, जब तक सेंटर पर नहीं पहुंचते आपको परेशानी होती है ना, परेशान रहते हो थोड़ा सा, जब सेंटर पहुंच जाते हो शांति मिल जाती है। तो अब मेरे को सेंटर पहुंच के शांति मिल गई, शांति का नोबेल पुरस्कार। अब मेरे को सेंटर पहुंचकर बच्चे क्या बोल गए, शांति मिल गई। तो एलएसबीएल यात्सकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मेमोरियल और ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर द सिविल लिबर्टीज, ठीक है। अच्छा एलएसबीएल यात्सकी की बात करते बच्चे, ये बेलारूस के हो जाते, इनको जेल की सजा भी मिल गई, ठीक है जेल की सजा मिल गई 10 साल की जेल। साहित्य, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे पाएगा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, साहित्य पढ़ोगे तो मनी अर्न कर सकते हो ना, साहित्य पढ़ो मनी अर्न करो, साहित्य पढ़ो मनी अर्न करो। तो याद रखा, जब अच्छा साहित्य पढ़ोगे लिटरेचर, तो साहित्य पढ़ो मनी अर्न करो, तो एनी अर्नॉक्स, याद रखा मनी अर्न एनी अर्नॉक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की बात करता हूं बच्चे, अर्थशास्त्र का किससे देगा, अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र का जो दिया गया बच्चे किसे देगा, तो मैं बोलूंगा अर्थशास्त्र, अगर आपके पैसा हो तो आप बच्चे बड़ा ही महान है, नहीं तो आपकी जिंदगी समान है। तो बिन इकोनॉमी के, बिन इकोनॉमी के बच्चे डॉग जैसा फील होता है, बिन इकोनॉमी के क्या हो जाता है, डॉग जैसा फील होता है। तो याद रखिएगा, बिन बर्ना नेके करके हो जाते हैं डगलस डायमंड, हो जाते फिलिप डायबी हो जाते हैं, तो बिन बर्ना नेक करके हो जाते, तो बिन इकोनॉमी बिन बर्ना नेक डॉग जैसा डगलस फिलिप, डगलस बच्चे डायमंड हो जाते और फिलिप डॉग जैसा फील होगा, फिलिप डायबी हो जाता, फिलिप डायबी। तो ये था बच्चे, ये भी हो गया, ठीक है। अपना ये चीजें अगर एक दो बार आप पढ़े होगे तो आपको पूरा का पूरा याद होगा, और पेपर में जाकर करके आ जाओगे बड़ा ही आसान से, ठीक है पेपर में जाकर बड़ा ही आसान से करके आ जाओगे, ठीक है चलेगा, पेपर में बड़ा ही आसान से जाकर करके आप इसे आ जाएंगे, ठीक है चलेगा। तो चीजें आपको क्लियर हुई होगी, चीजें क्लियर होगी, किसी को कोई डाउट वगैरह कुछ प्रश्न वगैरह आप मुझसे पूछना चाहते तो पूछ लीजिए, 2 मिनट का बस समय, ठीक है 2 मिनट का, 2-3 मिनट का समय दे देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग ना, आप लोग ना मुझसे नाराज है, आप मेरी परिस्थितियां को नहीं समझ रहे लेकिन आप मुझसे नाराज हो रहे हैं, ठीक है नाराज हो रहे हैं। फिर क्लास जब चलने लगी ना, बोलोगे गुरुजी अरे 1 घंटा की बस क्लास कर लो, इतना क्यों करा रहे हो। ठीक है, चलिए हाँ सर 360 डिग्री क्लास नहीं रहे, बस मुझे लगता है बस थोड़ी दिन और, थोड़ी दिन क्या सोमवार से इसको कर लेंगे, मुझे लगता है लगभग हमारे 80% काम हो गया यहाँ पर, ठीक है 80% काम हो गया, क्योंकि ना बच्चे वो माहौल अभी बन नहीं पड़ा कि जैसे कि आराम से बैठकर 2-3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पढ़े, ठीक है। एक बच्चा बोला काहे गुरुजी हम आपसे काहे नाराज होंगे, नहीं बाबू बहुत लोग नाराज हैं तो इसीलिए पूछो।
ठीक है, एक बार सभी के सभी साथी सेशन को शेयर भी कर देंगे, ठीक है, तो बहुत सारे साथी को आज तो लिंक नहीं भेजा था तो सेशन को शेयर भी नहीं होता, तो सभी लोग बच्चे सेशन को शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो सोमवार से बच्चे सेम समय रहेगा, 6 बजे रहेगा, ठीक है, 6 बजे रहेगा, ठीक है, चलेगा। तो अगर मेरे प्यार साथी आप सभी लोग याद रहेगा पीटी की तैयारी करेंगे, ठीक है, पीटी की तैयारी करेंगे, पीटी की तैयारी करेंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप लोग पीटी की तैयारी करेंगे बच्चे तो याद रहेगा इसके लिए फाउंडेशन बैच है, इसका ना सिलेबस बड़ा अलग है, पूरा का पूरा सब कुछ बता दिया गया है कि जैसे कि जीए की बात करता हूँ वहां पे दे दिया, पड़ोसी देश से संगठन है, पर्यावरण से संबंधित है, दिवस है, ये सारी चीज आपको दे दिया है, ठीक है, ये सारी चीज दे दिया है, चलेगा। तो यहाँ पर हिस्ट्री में क्या है, कितने नंबर का आएगा, तो पीटी की बात करता हूं तो आपको इस क्लास से कम से कम, आपको इस क्लास से कम अगर मैं बात करूं तो 20 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन तो यहां से मिल जाएगा, 20 से 22 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ठीक है बच्चे, 20 से 22 क्वेश्चन मिल जाएगा। बाबू आप ना सर कोई और टाइम पे पढ़ते, अच्छी बात है, हाँ तो अभी क्या होगा बच्चे 7:30 बजे से अंकित सर आपके लिए क्लास लेकर आएंगे, तो सभी लोग वहां पे जुड़ जाएगा, ठीक है, ठीक है, चलेगा। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं बच्चे आप सभी लोगों से कितने बजे, तो आप सभी साथियों से मिलते हैं कल सुबह में 6 बजे, और रात में, आज रात में 10 बजे वाली क्लास नहीं है, ठीक है, आज रात में बच्चे क्या है 10 बजे वाली क्लास नहीं, पहले ही बता दिया तो आप इंतजार मत कीजिएगा, रात में 10 बजे वाली क्लास नहीं है, ठीक है, उस समय कोई और क्लास आज चलने वाली, ठीक है, चलेगा, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। और जितने मेरे प्यार साथी बाद में सेशन को देखते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएंगे।